ओम शांति आज के बाबा के साकार माँ वाक्य हैं सोलह जुलाई 2020 आज बाबा बोले मीठे बच्चे यह संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है पावन जरूर बनना है आज बाबा ने प्रश्न पूछा अतन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है तो बाबा ने उत्तर दिया जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं उन्हें ही अतियन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब हैं बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं आज बाबा ने गीत सुनाया ओम नमः शिवाय मात सहायक स्वामी सखा तुम ही जग के रखवाले हो ओम शांति पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है फिर यह जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा यह गायन करते हैं पास्ट का अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए तुम प्रेजेंट देख रहे हो जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए बच्चे जानते हैं संगम युग भी हैं कलयुग का अंत भी है बरोबर संगम युग पाँच हजार वर्ष पहले पास्ट हो गया अब फिर प्रेजेंट है अब बाप आए हैं फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया बाप राजयोग सिखला रहे हैं फिर सतयुग में राज्य पाएंगे अभी है संगम युग यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो यह है अति सहज जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं सबको एक मुख्य बात ज़रूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे जबकि विक्रम विनाश होने का समय है तो ऐसा कौन होगा जो विक्रम करेगा परंतु माया विक्रम करा देती है समझते हैं चमाट लग गई हमसे यह कड़ी भूल हो गई जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ अब बाप आया है पावन बनाने तो पावन बनना चाहिए ना ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए सतयुग में सब पवित्र थे यह भारत भी पावन था गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड वह संपूर्ण निर्विकारी हम विकारी हैं क्योंकि हम विकार में जाते हैं विकार नाम ही विशेष का है पति ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ क्रोधी नहीं बुलाते बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं जरा भी फ़र्क नहीं पड़ सकता जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है यह याद रखना पड़े यह बड़ी मेहनत की बातें हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतिम्य सुख में रहना चाहिए तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत सावकार बन रहे हो जितनी जिसकी धारणा है, वह बहुत सावकार बन रहे हैं परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए यहाँ आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने पुरानी दुनिया का विनाश करने खुब हो कल्प पहले मिसल ही होगा तुम बच्चे भी देखेंगे नेचुरल कलेमिटीज़ भी होनी है अर्थवेक हुई और ख़त्म भारत में कितनी अर्थवेक होंगी हम तो कहते हैं यह तो होना ही है कल्प पहले भी हुआ है तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने पाँच हजार वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं बाबा पाँच हजार वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है उनकी गिनती नहीं हो सकती कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो फिर फकीर बनते हो इस समय भारत पूरा फकीर है तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते उनका प्लान ही अपना है तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं पाँच हजार वर्ष पहले मुआफिक कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमद द्वारा करते हैं श्रीमद द्वारा ही शक्ति लेते हैं शिव शक्ति नाम भी है ना तुम शिव शक्तिया देविया हो जिनका मंदिर में भी पूजन होता है तुम ही देविया हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है अनेक नाम रख दिए हैं है तो एक ही जैसे बाप भी एक ही शिव हैं तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है अनेक देवियाँ हैं लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं वह हुई हैड महाराजा महारानी मिलकर महालक्ष्मी कह देते हैं उसमें दोनों आ जाते हैं हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई बस हर वर्ष पूजा करते हैं अच्छा उनसे धन मांगते हो देवी से क्या मांगेंगे तुम संगमयोगी देवियाँ स्वर्ग का वरदान देने वाली हो मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं तुम देविया हो ना मनुष्य को ज्ञान दान करती हो जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हो बीमारी आदि होंगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो रक्षा करो अनेक प्रकार की देवियां हैं हो संगम युग की शिव शक्तियां, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो बाप भी देते हैं बच्चे भी देते हैं महालक्ष्मी दिखाते हैं नारायण को गुप्त कर देते हैं बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है देविया इक्कीस जन्म के लिए सुख की सब मनोकामनाएं पूरी करती हैं लक्ष्मी से धन मांगते हैं धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं अथा धन देते हैं श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे अभी कंगाल हैं तुम बच्चे जानते हो राजा की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती हैं पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है यह भी नई बात नहीं हर पाँच हजार वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है अभी भारत कितना कंगाल है? रावण राज्य हैं कितना ऊंच नंबर वन था अभी लास्ट नंबर है लास्ट में न आए तो नंबर वन में कैसे जाए हिसाब है ना धीरे से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी कितनी मीठी मीठी बातें हैं अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती टीचर सबक अर्थात लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए जिसको होमवर्क कहते हैं बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं दिन में भल धंधा आदि करो शरीर निर्वाह तो करना ही है अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है सवेरे सवेरे दो तीन बजे का टाइम बहुत अच्छा है उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है ड्रामा अनुसार यह भी नोंद रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा तुम अभी सच्चे सच्ची, सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है बाप को न जानने के कारण ही सब निधन के हैं बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते हैं यह भी ड्रामा में नोंद है सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही हैं बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ ज़ड़ झड़झड़ीभूत अवस्था को पाया है एक भी सतोप्रधान नहीं सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में अभी है तमो प्रधान बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं तुम फिर औरों को जगाते हो जगते रहते हो जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए अब यह है घोर अंधियारा आत्माएं वापस अपने घर जा न सके भल दिल होती हैं दुख से छूटे परंतु एक भी छूट नहीं सकते जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान करने बगैर रह नहीं सकते जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है यह भी समझते हो स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं कृष्ण की बात नहीं कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला प्रिंस फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है ते ऊंच भगवान ही गाया है वही रचता है हैवन गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है हेवन स्थापन करने वाला शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु वह कब आए क्या किया यह कुछ भी नहीं जानते जयंती के अर्थ का ही पता नहीं है तो फिर मना कर क्या करेंगे यह भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो फिर कब नहीं फिर जब बाबा आएगा तब ही जानेंगे अभी तुमको स्मृति आई है यह चौरासी का चक्र कैसे फिरता है भक्ति मार्ग में क्या है उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं कितने भगत लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया अब तुम जानते हो हम श्रीमद् पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं श्रीमद् से ही श्रेष्ठ बनते हैं श्रीमत संगम पर ही मिलते हैं तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे फिर कैसे यह बने अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े हो जाने की कभी भी फेल्यूर हो बैठ नहीं जाना है फिर से खड़े हो जाओ दवाई कर लो सर्जन तो बैठा है ना बाबा समझाते हैं पांच मंजिल से गिरे और दो माले अर्थात दो मंजिल से गिरने का फर्क कितना है काम विकार है पांच मंजिल इसलिए बाबा ने कहा इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु हैं उसने तुमको पतित बनाया है अब पावन बनो पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं ज़रूर संगम पर बनाएंगे कलयुग अंत और सतयुग का आदि यह संगम है बच्चे जानते हैं अभी बाप कलम लगा रहे हैं बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे कितना सहज समझाया जाता है अच्छा मुरली नहीं मिलती हैं बाप को याद करो यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मातन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे सारा मदार पुरुषार्थ पर है कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हुबहूब वही चलेगा आधा कल्प देह अभिमानी बने हो अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो इसमें है मेहनत पढ़ाई तो सहज है मुख्य है पावन बनने की बात बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है देह अभिमान में आने से ही भूलते हैं शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि फल आठ घंटा करो बाकी आठ घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है वह अवस्था जल्दी नहीं होंगी अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा छूट जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना जब नंबर वार कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी तब लड़ाई शुरू होगी तब तक रिहर्सल होती रहेंगी अच्छा मीठे मीठे से किलत बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार हैं उसमें पहला है इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है दूसरा है पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है सर्जन को सब सुनाना है विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है आज बाबा ने वरदान दिया देह संबंध और वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भवन वरदान का डिटेल है जो निमित मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं मोह के कारण नहीं उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए तब कहेंगे नष्ट मोहा इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का संबंध का वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातित स्थिति के समीप हैं आज का स्लोगन है स्नेह और सहयोग के साथ शक्तिरूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा ओम शांति